हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एरिया ऑफ ए पॉलीगन। तो एरिया ऑफ पॉलीगन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो। ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल है आपके पास में ए बी सी, जिसका एक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वन कोमा वाई वन है, और बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कोमा वाई टू, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, देन ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, वन बाय टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और इस पूरे वैल्यू के ऊपर का क्या लगा रखा है, मॉड्यूलस लगा रखा है। मॉड्यूलस का क्या मीनिंग है कि इसकी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज एरिया ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो मॉड्यूलस जो फंक्शन है उसका क्या काम रहता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जैसा हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया प्लेन में ए बी सी, और उसके बाद हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर बी एम, ए वर्टेक्स से ए एल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सी वर्टेक्स से सी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नाउ आपको बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इट मींस जो एम रहेगा एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स टू कोमा जीरो। ऐसे ही एल के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लेंगे, एल के कोऑर्डिनेट आपके पास में रहेंगे एक्स वन कोमा जीरो, और एन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में रहेंगे एक्स थ्री कोमा जीरो। सिमिलरली आप एम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एम एल आपके पास में क्या रहेगा, ओ एल माइनस ओ एम, और एम एल है एक्स वन और ओ एम है एक्स टू, तो एम एल हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। सेम वे यू कैन फाइंड आउट एल एन, एल एन रहेगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक है, अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट यहां नोटिस करने वाली है कि लाइन बी एम इज पैरेलल टू ए एल बिकॉज एंगल एम एंड एंगल एल आर 90 डिग्री, और एंगल एल एंड एंगल एन आर 90 डिग्री, देयर फॉर द लाइन ए एल इज पैरेलल टू सी एन। मीन्स ये तीनों लाइन बी एम ए एल और सी एन क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल होंगी तो ए बी एम एल एक ट्रेपेजियम होगा, और ए एल एन सी ये भी एक ट्रेपेजियम है, एंड बी सी एन एम कहें तो ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम लोग देखना चाहें कि ट्राइंगल ए बी सी का जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रेपेजियम ए बी एम एल का एरिया निकाल लें प्लस एरिया ऑफ ए एल एन सी, और इन दोनों के एरिया को प्लस करके माइनस क्या कर दें, ये वाला एरिया, तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, हमने नेक्स्ट लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी। अब देखो एरिया ऑफ ए बी एम एल, ए बी एम एल का एरिया क्या होगा, आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हो जाएगा आपका बी एम और ए एल दोनों का सम इंटू एम एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, प्लस हाफ इंटू ए एल प्लस सी एन इंटू एल एन माइनस हाफ इंटू बी एम प्लस सी एन इंटू एम एन। अब जैसा कि हमें पता है बी एम की वैल्यू हमें पता है, बी एम आपके पास में क्या है, यहां बी एम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, वाई टू है हमें पता है इसका, प्लस ए एल, ए एल डिस्टेंस का भी हमें पता है, ए एल क्या है हमारे पास में, वाई वन है। ठीक है, तो ऐसे हमें बी एम ए एल निकल जाएगा, ए एल सी एन निकल जाएगा, बी एम और सी एन निकल जाएगा, एम एल हमें पता है, एल एन हमें पता है, और एम एन भी हमें पता है,
बिकॉज एम एन क्या है, ओ एन माइनस ओ एम, और ओ एन है एक्स थ्री और ओ एम है एक्स टू, तो ये ओ जो ये है एम एन है ये एक्स थ्री माइनस एक्स टू हो जाएगा। ये सब सारी वैल्यूज आप निकाल के यहाँ से इजिली आप निकाल सकते हैं, जब यहाँ पुटअप करेंगे तो फाइनली आपका ये रह जाएगा। और इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब याद बच्चों इसको ऐसे भी रख सकते हो कि ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वन है तो फिर टू फिर थ्री, यहाँ टू है तो टू के बाद थ्री फिर वन, थ्री के बाद वन टू, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है, आपको पता है थ्री पॉइंट्स कोलिनियर कब बनते हैं, तीन पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब बोलते हैं जब उन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनती है वो क्या बन जाए, उसका एरिया जीरो आ जाए, क्योंकि एरिया अगर जीरो होगा तो तीनों वर्टिसेस कहाँ आ जाएंगे, एक लाइन के ऊपर। तो अगर आपको तीन पॉइंट के वर्टिसेस या फिर यूं कहूँ कि तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको प्रूव करना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि उन तीनों से जो ये ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो जीरो है या नहीं। अगर ये वैल्यू जीरो आ रही है दे आर कोलिनियर, और अगर ये जीरो नहीं है दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट ये तो था हमारा एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब अगर आपको एक पॉलीगन दे दे जिसके अंदर n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, अब यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो n वर्टिसेस आपको गिवन है वो क्या होने चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में गिवन होने चाहिए। अब साइक्लिक ऑर्डर से हमारा क्या मीनिंग है, जैसे हम लोग एक क्वाड्रिलेटर को ऐसे लिखते हैं मान लो ए बी सी डी, तो हमें ये पोजिशन पता होनी चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उसमें ए बी सी डी की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि ए का जो एडजेसेंट है वो बी है और बी का एडजेसेंट सी है और फिर सी का एडजेसेंट डी है। ये चीज़ अगर हमें क्लियर है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एन पॉइंट्स गिवन है एंड दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वन बिलो द अनदर एंड रिपीट द कोऑर्डिनेट एट द बॉटम विच एवर टेकन एट द टॉप, मल्टीप्लाई वैल्यू एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द एरोस। तो आपको खाली क्या करना है, उसके वर्टिसेस उठाओ और ऐसे लिख लो वन बाय टू, ये जो सिंबल लगाया है हमने ये कैसे लिखा, देखो फर्स्ट वर्टेक्स एक्स वन वाई वन, तो साइक्लिक ऑर्डर में से फर्स्ट वर्टेक्स लिखेंगे, फिर सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, nth के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, और फिर रिपीट किसको करना है जिसको आपने फर्स्ट लिखा था। बस कंडीशन ये है कि ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, और एडजेसेंट वे में वो जो फर्स्ट लिखा उसको आप रिपीट करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने देखो एरो सिंबल लगाया है, यानी कि जो एरो नीचे की तरफ हेड है जिसका, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका साइन तो प्लस रखना है, और जो ये वाला सिंबल है इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू हाफ का हाफ एज इट इज, ये क्या है मॉडुलस का सिंबल, देखो एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन, एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू, एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू, ऐसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा एक्स एन वाई वन माइनस एक्स वन वाई एन, एक्स एन वाई वन माइनस एक्स वन वाई एन, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ट्राइंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है एक्स वन कोमा वाई वन, सेकेंड वर्टेक्स है एक्स टू कोमा वाई टू, और थर्ड गिवन है एक्स थ्री वाई थ्री, अब वो आपको लिख के दे दे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट मीन्स उसने साइक्लिक ऑर्डर दे दिया ए बी सी का, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट लिखा एक्स वन वाई वन, फिर एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, और फिर एक्स वन वाई वन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ए बी सी क्या होने चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। फोर्थ
अगर वो कहे कि ए बी सी डी ये चार वर्टेक्स देके कहे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हाफ इंटू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो ये था कि साइक्लिक